व्हाट इज़ द राइट वे टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन तो इन तीनों में है ना, तो हम कौन सा चूज करें? इतने सारे कैटेगरीज में से कौन सा सेलेक्ट करें? इन चारों विजिबिलिटी ऑप्शंस में से कौन सा चूज करना है और क्यों? एंड फाइनली अपलोड पेज पे ऐसा कौन सा फीचर है जिसके वजह से मुझे लाखों एक्स्ट्रा व्यूज आ चुके हैं? ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक गलती जो बहुत से क्रिएटर्स करते हैं इस कि वो अपने वीडियो को YouTube ऐप या फिर YouTube स्टूडियो ऐप से अपलोड करते हैं, जो कि वीडियो अपलोड करने का बेस्ट तरीका नहीं है। बट वाई, क्या ऐप से अपलोड करने से व्यूज कम आते हैं? तो आंसर है नहीं, इट्स नॉट अबाउट व्यूज। बट जब आप ऐप से वीडियोस डालते हो तो बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आप मिस कर देते हो। लाइक अगर मैं यूट्यूब ऐप का अपलोड पेज दिखाऊं तो यू कैन सी कितना बेसिक है इसका इंटरफेस, सिर्फ 5-6 गिने चुने फीचर्स ही हैं। सो अगर सारे फीचर्स एक्सेस करना है तो यू विल हैव टू यूज यूट्यूब स्टूडियो बट इन डेस्कटॉप वर्जन। नाउ आई नो कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स अपने फ़ोन का ही यूज़ करते हैं टू अपलोड वीडियोस एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप फ़ोन पर भी डेस्कटॉप वर्जन एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए अपने वेब ब्राउजर पे youtube.com सर्च करो, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम। ऊपर 3 डॉट्स पे जाके डेस्कटॉप साइट इनेबल करो, उसके बाद क्लिक ऑन योर चैनल आइकॉन एंड वहाँ पे यू विल सी यूट्यूब स्टूडियो। सो अगर डायरेक्टली इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत बार YouTube स्टूडियो ऐप खुल जाता है, विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट। सो इसलिए मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करके ओपन इन न्यू टैब सेलेक्ट कर लूँगा। इससे YouTube स्टूडियो एक नए टैब में ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। इसके बाद ऊपर क्रिएट पे क्लिक करो एंड सेलेक्ट अपलोड वीडियोस। आफ्टर दैट सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके जो भी वीडियो अपलोड करना है उसे सेलेक्ट करो एंड यू कैन सी वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है। Now, of course, our video is being uploaded, but अब हमारे सामने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अलावा भी कई सारे सेटिंग्स आ चुके हैं जो बहुत से क्रिएटर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं, स्पेशली नए क्रिएटर्स। इनमें से कुछ सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड इन्हें समझना बहुत जरूरी है, सो लेट्स टॉक अबाउट देम। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या क्रोम से वीडियो अपलोड करने से व्यूज ज्यादा आते हैं? तो इसका वन वर्ड आंसर है नहीं, लेकिन क्रोम से वीडियो अपलोड करते वक्त एक छोटी सी सेटिंग जरूर मिलेगी जिसे ऑन या ऑफ करने से व्यूज पर असर पड़ सकते हैं। अगर आप अपलोड पेज में नीचे स्क्रॉल करोगे देन लाइसेंस सेक्शन के अंडर यू विल गेट दिस ऑप्शन पब्लिश टू सब्सक्रिप्शंस फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स। अगर इस सेटिंग को आप ऑफ कर दोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स को सब्सक्रिप्शंस फीड में आपकी वीडियो नहीं दिखेगी, प्लस उन्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा। ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट तो ऑन रहता है, बट इन केस इट इज ऑफ तो इसे ऑन कर लेना और यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ व्यूज। लाइक अगर मैं अपने किसी भी वीडियो का ट्रैफिक दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शंस फीड और नोटिफिकेशन से हजारों में व्यूज आ रहे हैं, सो इसे ऑन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट सेटिंग, आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने जैसे ही वीडियो फाइल को सेलेक्ट किया अपलोड करने के लिए, वैसे ही डिस्क्रिप्शन का मेन हिस्सा ऑटोमेटिकली लिखा गया। नॉट जस्ट दिस, टैग सेक्शन में भी 4 टैग्स जो मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो गए। पर कैसे? वेल, आप ये बहुत ही आसानी से अपने चैनल के लिए भी कर सकते हो यूजिंग अ फीचर कॉल्ड डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन। इसे एक्सेस करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो ओपन करो, देन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर क्लिक ऑन द सेटिंग्स आइकॉन एंड देन क्लिक ऑन अपलोड डिफॉल्ट्स। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहे, लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स, अफिलिएट लिंक्स, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट वगैरह, वो सब आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो एंड फ्यूचर में जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो डिस्क्रिप्शन में पहले से ये सब कुछ लिखा होगा। एंड ऑफकोर्स द सेम थिंग यू कैन डू विद टैग्स एज वेल। इसके अलावा अगर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स लिखने का सही तरीका जानना है तो ये वीडियो बनाया था मैंने अपने चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस कैटेगरी। अ लॉट ऑफ पीपल से कि सही या गलत कैटेगरी चूज करने से आपके व्यूज पर बहुत असर पड़ता है एंड सही कैटेगरी चूज करने से आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, बट आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? सो देखो, कैटेगरीज एक ऐसा फीचर है जो तब से एग्जिस्ट करता है जब YouTube और उसका एल्गोरिदम बिल्कुल नया था। उस समय एल्गोरिदम उतना एडवांस नहीं था कि वो खुद से जान पाए कि आपकी वीडियो को किस ऑडियंस तक भेजना है एंड इसलिए कैटेगरीज का ऑप्शन था सो दैट हम YouTube को बता पाए कि हमारी वीडियो किस बारे में है। इनफैक्ट अर्ली डेज में तो YouTube वॉच पेज पर कैटेगरीज टैब भी होता था। सो इट्स लाइक अगर आप अपने वीडियो को पेट्स एंड एनिमल्स वाले कैटेगरी में डालते हो तो आपकी वीडियो पेट्स एंड एनिमल्स वाले सेक्शन में अवेलेबल होगी जहां से लोग उसे देख सकते हैं। बट नाउ ऑफ कोर्स इट्स 2024 एंड एल्गोरिदम बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, सो उससे पता है कि आपकी वीडियो किस ऑडियंस के लिए सही रहेगी। सो इन शॉर्ट, कैटेगरी YouTube का एक बहुत पुराना एंड इवन आउटडेटेड फीचर है जिससे व्यूज पर इफेक्ट ना के बराबर पड़ता है।
अब क्वेश्चन होगा कि क्या कैटेगरी में कुछ भी सिलेक्ट कर दें? तो आंसर है नहीं। भले ही कैटेगरी से उतना फर्क नहीं पड़ता हो, अगर उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है देन हमें वही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे चैनल के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। लाइक अगर आप किसी भी चीज के बारे में लोगों को एडुकेट कर रहे हो देन यू कैन सिलेक्ट एडुकेशन, जो कि मेरे भी वीडियोस का कैटेगरी है। अगर आप कुछ सिखा रहे हो लाइक ट्यूटोरियल किसी भी चीज का या कुकिंग वीडियोस, तो यू कैन सिलेक्ट हाउ टू एंड स्टाइल। अगर व्लॉग्स, चैलेंजेस, इस टाइप के वीडियोस हैं देन यू कैन पुट देम अंडर एंटरटेनमेंट या पीपल एंड व्लॉग्स, एंड इस टाइप से यू कैन सिलेक्ट योर कैटेगरी। ऑलराइट, सो जब तक हमने इतना कुछ जाना उतने देर में हमारा वीडियो अपलोड भी हो गया एंड अब इसे सिर्फ पब्लिश करना बाकी है। बट वीडियो को पब्लिश करने से पहले विजिबिलिटी सेक्शन के अंडर हमें चार ऑप्शंस मिलते हैं जहां बहुत सारे क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या सेलेक्ट करना है, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक या फिर शेड्यूल। तो ये सभी क्या है और इनमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट टू मोर अपलोड सेटिंग्स, वन ऑफ विच इज ऑटोमेटिक वीडियो चैप्टर्स। अपने वीडियोस में चैप्टर्स ऐड करने से आप व्यूअर्स को एक बेटर एंड इजी व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकते हो। ये स्पेशली ट्यूटोरियल्स एंड एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेट्स से आपकी वीडियो 10 टू 15 मिनट्स लॉन्ग है और आपने उसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए, बट एक व्यूअर है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फो के लिए ही आया है। अब ऐसे में अगर आपके वीडियो में चैप्टर्स होंगे तब तो व्यूअर इजिली वीडियो के उस पार्ट में जा सकता है जो उसे देखना है, बट अगर चैप्टर्स नहीं होंगे तब मोस्ट लाइकली व्यूअर अपना टाइम आपके वीडियो में नहीं वेस्ट करेगा जब किसी और ने उस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। सो दिस मीन्स कि सेटिंग को ऑन रखना है, राइट? वेल, मे बी नो। अगर आपने वीडियो में सब कुछ बिल्कुल पॉइंट वाइज सिस्टमैटिक तरीके में कवर किया है तब तो आप इसे ऑन करके काम चला सकते हो, यूट्यूब खुद आपके लिए चैप्टर्स लिख देगा। बट मोस्ट केसेस में ऑटोमेटिक चैप्टर्स पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि आप खुद से चैप्टर्स लिखो, बिकॉज ऑटोमेटिक चैप्टर्स उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। अब हम वीडियो को पब्लिश करने ही वाले हैं, बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर सेटिंग जो मेरा फेवरेट है एंड आई नेवर मिस दैट बिकॉज इसके वजह से मुझे लाखों एक्स्ट्रा व्यूज आ चुके हैं। इसे एक्सेस करने के लिए वीडियो एलिमेंट सेक्शन में जाओ एंड वहां पे यू विल गेट द ऑप्शन टू ऐड एन एंड स्क्रीन। If you click on the element icon, आप किसी भी वीडियो, प्लेलिस्ट या चैनल का एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हो। Now maximum लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अपने चैनल के कोई भी रैंडम वीडियो को ऐड कर देते हैं, जो कि एंड स्क्रीन ऐड करने का सही तरीका नहीं है इन मोस्ट केसेस। अगर मैं अपने एनालिटिक्स में दिखाऊं तो यू कैन सी कि मुझे आज तक 160K से भी ज्यादा व्यूज सिर्फ एंड स्क्रीन से आ चुके हैं, बट अगर मैं भी एंड स्क्रीन में वीडियोज रैंडमली डालता तो इतने व्यूज कभी नहीं आते। सो एंड स्क्रीन डालने का सही तरीका क्या है? Well, the secret lies in giving viewers a reason to click. यानी कि आपको व्यूअर्स के मन में अपने चैनल के किसी और वीडियो के लिए एक अर्जेंसी क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने गेमिंग चैनल ग्रो करने का वीडियो बनाया था एंड उसमें आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि स्टार्टिंग के इनिशियल सब्स कैसे गेन करते हैं। तो बेसिकली मैं दो मेथड शेयर करने वाला था इनिशियल ऑडियंस गैदर करने के, जिसमें से एक तो मैंने वीडियो में ही बता दिया, बट दूसरे वाले मेथड के लिए मैंने एंड स्क्रीन में एक वीडियो लगा दिया जिस वीडियो में मैंने पहले ही वो चीज एक्सप्लेन कर रखा है, एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स को बोल दिया कि सेकंड मेथड के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे देखो। अब इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर बहुत सारे क्लिक्स आए। लाइक यू कैन सी अभी तक 35K से भी ज्यादा क्लिक्स हैं एंड इसका ECTR यानी कि एंड स्क्रीन क्लिक थ्रू रेट ये भी 33% है, विच इज जस्ट इम्प्रेसिव। सो इस टाइप से आपको भी सोचना है कि आप किस तरह अपने वीडियोज में एक रीजन और एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो फॉर अनदर वीडियो। Alright, so अब हम finally visibility section में आ चुके हैं जहाँ पे हमें इन चारों options में से कोई एक select करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सब में difference क्या है। अगर आप video को private करके save करते हो तो उसे फिर कोई भी access नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप उस video को अपने YouTube studio से या अपने YouTube account के manage video section से देख पाओगे। private option का just उल्टा है public। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो save button publish में बदल जाएगा, because video को public करने का मतलब है कि आपके सभी subscribers के फीड में ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। जिन्होंने बेल आइकॉन प्रेस किया है उन्हें इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड बेसिकली ये वीडियो एल्गोरिदम के नजर में आ जाएगा। सो लाइक एल्गोरिदम इस वीडियो को रिकमेंड कर सकता है इन सर्च, सजेस्टेड एंड ब्राउज। नाउ मैक्सिमम लोग अपलोड प्रोसेस खत्म होते ही वीडियो को पब्लिक कर देते हैं, और देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर आपका चैनल अभी छोटा है। बट स्टिल एक और ऑप्शन है जो वीडियो को सिंपली पब्लिक करने से बेटर है, एंड दैट इज अनलिस्टेड। एक वीडियो को अनलिस्टेड करके सेव करना उसे प्राइवेट करके सेव करने जैसा ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से इट इज मोर हेल्पफुल। लाइक एक अनलिस्टेड वीडियो भी प्राइवेट ही रहेगा, बट इसकी स्पेशलिटी है कि आप कहीं भी किसी के साथ भी इसका लिंक शेयर कर सकते हो एंड वो इसे देख पाएंगे बिकॉज उनके पास वो लिंक है। एक और डिफरेंस है कि अनलाइक प्राइवेट वीडियोज जहाँ कोई भी कॉमेंट नहीं कर सकता, इनफैक्ट आप खुद भी नहीं कर सकते, अनलिस्टेड वीडियोज पे कोई भी कॉमेंट कर सकता है जिसके पास आपके
वीडियो का लिंक है, एंड ऑफ कोर्स आप तो कर ही सकते हो। सो लेट्स से वीडियो को पब्लिक करने से पहले आप उस पे अपना कोई कमेंट पिन करना चाहते हो तो आप वीडियो को अनलिस्टेड करके ऐसा कर सकते हो, एंड बाद में जब आपका मन करे तो वीडियो को पब्लिक कर देना, सिंपल। ऑल्सो अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो आपको अनलिस्टेड ऑप्शन के नीचे एक टिप दिखेगा वेयर यूट्यूब सेज कि हमें अपने वीडियो को अनलिस्टेड में सेव करके कुछ घंटे वेट करना चाहिए, सो दैट उतने देर में अगर वीडियो में कुछ भी मोनेटाइजेशन या विजिबिलिटी इश्यूज हैं तो वो सामने आ जाए और हम फिर वीडियो को उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नाउ इन तीनों के अलावा एक चौथा विजिबिलिटी ऑप्शन भी है, एंड दैट इज शेड्यूल। आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स बिल्कुल एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं। लाइक मैं अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ कि न्यू वीडियो शाम 4 बजे आने वाली है, तो वीडियो एग्जैक्टली 4 बजे मेरे चैनल पे आ भी जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सब ऑटोमेटिकली होता है यूजिंग द शेड्यूल ऑप्शन। वंस यू क्लिक ऑन दिस, आप कोई भी डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो एंड आपकी वीडियो उस पर्टिकुलर समय अपने आप पब्लिक हो जाएगी। अगर साथ में इस प्रीमियम चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो तो एक पब्लिक वॉच पेज क्रिएट हो जाएगा टू लेट पीपल नो कि आपकी वीडियो कब आने वाली है। एंड ऑल्सो जब वीडियो के पब्लिक होने का समय होगा तो यू विल सी अ काउंटडाउन टाइमर, एंड ऑल्सो वीडियो में लाइव चैट होगा एट द टाइम ऑफ प्रीमियम। सो फाइनली अगर एक कंक्लूजन देना हो तो वीडियो अपलोड करने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप उसे अनलिस्टेड करके सेव करो ताकि अपना कमेंट पिन कर पाओ, एंड अगर कोई मोनेटाइजेशन या विजिबिलिटी इश्यू है तो उसे सॉल्व कर पाओ। इसके बाद जब आपको लगे कि सब कुछ सही है तो अपने वीडियो को डायरेक्टली पब्लिक कर दो या फिर अपने फेवरेट अपलोड टाइमिंग के लिए शेड्यूल कर दो, जो कि मैं भी करता हूँ। अच्छा, अपलोड टाइमिंग से याद आया, मैंने एक वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस। बस 4 मिनट की वीडियो है, सो नहीं देखा तो देख लो, और अगर कुछ वॉच टाइम सीक्रेट्स जानना है तो राइट वाली वीडियो देख लो। एंड या आपसे वही मिलूंगा, बाय।